सर्दी हो या गर्मी हो, हमीरपुर शहर में अब गरीब लोगों को रात में भूखे व खुले आसमान के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। हमीरपुर नगर परिषद ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लगभग 65 लाख की लागत से आश्रय भवन अपना घर का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने किया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी सहित नगर परिषद के पार्षद और कर्मचारी मौजूद रहे। हमीरपुर के राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज के समीप निर्मित अपना घर में बेघर बेसहारा लोगों की सोने के लिए बिस्तर, नहाने के लिए पानी, शौचालय व भोजन की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के नगरों में खुले आसमान के तले रात बिताने वाले लोगों के लिए भवन बनाए जा रहे हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि अब हमीरपुर नगर में बेसहारा गरीब लोगों को अपना घर प्राप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत हमीरपुर को 85 लाख स्वीकृत किए गए थे, जिसमें 65 लाख से भवन निर्मित किया गया है। जिनका कोई नहीं उनके लिए अपना घर आज उसका उद्घाटन किया। एक ऐसा शेल्टर होम जो गरीब वंचित पीड़ित सर्दी की ठंड में भी सड़कों तक सीमित रहता है, कोई घर कोई ठिकाना नहीं होता और इतनी गरीबी होती है कि सर ढकने के लिए छत भी नहीं नसीब होती, उनके लिए आज जो कुल 85 लाख रुपए सैंक्शन हुए उनमें से 65 लाख अब तक खर्च करके ये अपना घर यहाँ पर तैयार हमीरपुर की नगर पालिका ने किया है। मुझे यही कहना है कि एक बहुत अच्छी पहल है जहां पर उन बेसहारों को अपना रहने का अवसर मिलेगा जिनको पहले नहीं मिलता था, चाहे तपतपाती गर्मी हो या भीषण ठंड हो, कुछ भी हो, उन दोनों में ही उनको सहारा यहां पर मिलेगा। रहने की सुविधा, नहाने की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। मैं इसका बहुत स्वागत और बहुत बधाई देता हूँ।